मेनी थिंग्स अबाउट द कुंडली कि अगर मैंने लोगों, मतलब मेरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है कि मैं आप सब लोगों की मदद करूं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो और दैट इज वाई मैं जो कोर्सेज क्रिएट करता हूँ, है ना, रविंद्र जी तो मेरे भी मतलब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मेरे गुरु है वो। तो जो मैं कोर्सेज क्रिएट करता हूँ वो इस तरह से करता हूँ कि कोई भी इंसान ना नेक्स्ट डे से पैसे कमा पाए उसमें से, बस उसको हाँ उसको वो सेल करते आ जाए, और जिससे जिसका वो काम कर रहा है उसका भी फायदा हो। ऐसे नहीं कि यस उसने पैसे कमा लिए और वो यस ढूंढ रहा है इसको बंदूक लेके कौन है इंसान जिसने मेरे से पैसे लिए। तो द सो पर्सन दैट टू इज द हुम, आइडिया, दैट इज द आइडिया. आवर मोटिव इज कि आपको कंसल्टेंसी आनी चाहिए, बाकियों की प्रॉब्लम सॉल्व करो नहीं करो. मैं हमेशा हर कोर्स में ये बात कहता हूँ, आपको आपके लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए. ये कोर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब अगर टाइम परमिट हुआ, सेशन हुआ, ऐसा एक टेक्निक ऐसे भी मिलेगी आप सबको कि आपको ये पता चले कि कौन सी कुंडली का क्या पर्पस है. तो अभी ना यह है कि मैं और एक नवीन कालिया जी हैं उनका ले लीजिए आप डेट ऑफ बर्थ, ट्वेंटी दिस विल बी द सिक्स लास्ट वन, या दिस विल बी द लास्ट वन, वी ट्वेंटी नीड सिक्स टू हैव जुलाई समथिंग अपकमिंग अप इसके लिए. 26 जुलाई 1987, 26/7 या 1987 19 एटी सेवन टी सेवन तो ये लास्ट रहेगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक यू अ ब्रिलियंट ऑफ अमेजिंग ऑफर, ओके, एक ऑफर देंगे आपको जिसके कारण आपका ये डिसीजन मेकिंग और भी इजी हो जाएगा वेदर टू ज्वाइन दिस कोर्स दिस टाइम, बिकॉज आपने देखा रहेगा हर टाइम हमारा जो फीस है थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि हम नई चीज़ें लेते हैं, नए कंसेप्ट लेके जाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू एनरोल हियर, बिकॉज लास्ट बैच के लोगों को आप जो भी सीख रहे हो ना इसका भी एक्सेस मिलने वाला है, और वो लोग शायद कुछ कोर्सेस मतलब कुछ लेक्चर के लिए आपके साथ आके बैठ भी जाए। सो ओके, क्या किसका है ये बर्थडे? ये नवीन कालिया जी का है। एक है मिनट, नवीन हम जी? एक मिनट, नवीन जी आप हो वहाँ पे? जी हेलो. जी यस सर. या हाय नवीन जी. नवीन हाय। जी टेल मी, आर यू इनटू एनी काइंड ऑफ एंड प्रोफेशन जहां पर या लोगों से आपका काम बनता हो, मेडिटेशन इस टाइप के फील्ड से जुड़े हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. आई एम वेरी ओके. फार फ्रॉम मेडिटेशन, योगा एंड ऑल दैट. ना जहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा कुछ है? आप क्या करते हो अभी मतलब प्रोफेशनली? इफ आई अभी आस्क. अभी अभी रिसेंटली मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी है, वर्डप्रेस डेवलपर हाँ हूँ मैं. ओके ओके बट ओके. अभी रिसेंटली आई मीन सिक्स सिक्स यो 7 months ही हुआ है. यस, क्योंकि आपकी जो बर्थ डेट है ना, ये बर्थ डेट सर्विस कुंडली को ज्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन ये सर्विस कुंडली में बहुत ज्यादा मेहनत लिखी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा बोलते ना स्ट्रगल बहुत ज्यादा है ये कुंडली में, ये नंबर कॉम्बिनेशंस में. सो कैन यू कंफर्म मी दैट, मतलब ऐसा होता है आपके साथ में? आर यू टेंड टू सर्विस स्ट्रगल, मतलब कैसे कैसे हो जाता है? सर्विस एज सच गवर्नमेंट सर्विस के लिए मैं कभी ट्राई भी नहीं करती, बिकॉज मेरे को खुद को लगता है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरे माइंड के हिसाब से. वैसे मैं 10+ ईयर एक्सपीरियंस हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, तो दैट पीरियड वाज गुड मेरे लिए, बहुत अच्छा पीरियड था वो. तो हाँ, नाउ आई देन लेफ्ट लेफ्ट दैट जॉब एंड कम टू फ्रीलांसिंग बिकॉज आई हैव अ स्मॉल किड. क्योंकि आपके जो नंबर कॉम्बिनेशंस है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर कॉम्बिनेशंस कंसिडर एक किसी तरीके की टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम आप कर सकते हो. दूसरा, उसमें भी आप सर्विस दोगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी ये बजट के कॉम्बिनेशंस के अंदर में, समझ ओके रहे हैं? क्योंकि ये ओके बजट में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जहां पर आपको बोलते ना एक इमोशनल प्लेन होता है, अपने न्यूमरोलॉजी में इमोशनल प्लेन बड़ा स्ट्रांग है इसके अंदर में. एट द सेम टाइम आपका जो माइंड है ना वो बिजनेस माइंड भी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो जाता है, और जैसी मेरी चीजें सही जानी चाहिए ना वैसी वैसे हो नहीं जाती नहीं. पा रही, वैसी हो नहीं राइट राइट पाती, ट्रू समझ रहे? ट्रू तो वेरी ट्रू वेरी उसमें ट्रू. उसमें उसमें क्या हो जाता है कि फिर डिसीजन कहाँ आ जाएगा, डिसीजन फिर लास्ट में कि भाई फैमिली आ गई, कुछ ऐसे रीजन आ जाएंगे कि यू हैव टू स्टॉप, फिर यस से आपको यस कुछ नया स्टार्ट करना है, फिर वो एक पीरियड के बाद में थोड़ा टाइम चलेगा, फिर स्टॉप, फिर कुछ करो. एक मेरे को कंसिस्टेंसी लाइन नहीं मिलेगी कि पूरी लाइफ कंसिस्टेंसी चलती रहे चलती रहे चलती रहे टाइप्स, समझ रहे? ओके इनफैक्ट आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मेरी लाइफ में कंसिस्टेंट इनकम और कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी कब होगी, कब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होगी? करेक्ट बोल रहा राइट हूँ? है राइट ना, ये आपका सवाल होना चाहिए, आप है, कंफर्म यही है, करें? बस यही ग्रेट, है.
आपको पता है आंसर काफी बहुत ही ये टिपिकल केस है और ट्रस्ट भी ये सवाल का जवाब आपको कोर्स में 100% मिल जाएगा। अभी अभी आपके सबके लिए ना एक मैं ऑफर दे रहा हूँ यहाँ पे राइट नाउ, द ऑफर इज अभी मैं यहाँ पे एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, इस लिंक के साथ यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स। ये बेसिक अमाउंट है एनरोलमेंट का, द कोर्स फीस टोटल कोर्स फीस 30,000 फॉर नॉन ग्राफोलॉजिस्ट, 25,000 फॉर द ग्राफोलॉजिस्ट। आज अगर आप ना जिन्होंने कोर्स फी अब तक पे किया है वो लोग इंक्लूडेड ऑलरेडी इस ऑफर में, तो अगर आज आप इसके ऊपर क्लिक करके पेमेंट करते हो, एनरोल करते हो और 6 तारीख को ज्वाइन करते हो हमको, तो आपका 1-on-1 कंसल्टेंसी होगा रिगार्डिंग सिग्नेचर और न्यूमरोलॉजी एक साथ, आपके मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, व्हीकल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इस सब का कंसल्टेंसी आपको 1-on-1 मिलेगा अगर आज आप इस कोर्स को एनरोल करते हो राइट नाउ। इट विल बी अराउंड 30 मिनट्स फॉर 1-on-1 मीटिंग and you will get it, okay? So the link is here right now. Ye link valid rahega abhi se leke aadhe ghante tak, aur within half this half an hour all the people who register for it and who join the course by paying the full amount on the 6th of the December, you all are going to get a personal consultancy from me and Ravindra at the same time, okay? Yeah, it is 30,000 for non graphologist and 25 for the graphologist. आपके सभी जो चीजें हैं उसको अलाइन करके देंगे कि आपका नंबर कैसे होना चाहिए, आपका व्हीकल नंबर कैसे होना चाहिए, मोबाइल नंबर कैसे होना चाहिए, आपका सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, नाम कौन कौन से नेम्स आपके लिए फेवरेबल है, कौन कौन से डिटेल्स वो आपके लिए फेवरेबल है, वो सभी चीजें जो है वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगी। So, अभी आपके दिमाग में बहुत एक ने ये क्वेश्चन डाला कि इट इज एक्सपेंसिव, यस द गुड थिंग्स इन लाइफ आर एक्सपेंसिव, डोंट गो चीप, डोंट गो फॉर चीप थिंग्स, गो फॉर द एक्सपेंसिव थिंग बिकॉज़ दैट इज वेयर यू विल चेंज योर लाइफ, ओके? ऑलवेज गो फॉर द एक्सपेंसिव बट द डिजायरेबल चीज, यू नो, उसमें मजा आना चाहिए आपको भी कि अरे मैंने ये कोर्स किया और इसने इतने अमेजिंग रिजल्ट दिए, मेरे खुद के लिए नहीं, मैंने इतने सारे लोगों के लिए अमेजिंग रिजल्ट दिए। व्हाई इट इज नॉट एक्सपेंसिव, व्हाई इट इज नॉट एक्सपेंसिव, because it can generate the 100 times more income for you. It's the value, you know. Ek hota hai jo cost aur dusra hota hai value. To iska jo cost hai wo aapko ek time pay karna hai, lekin iska jo value hai wo aapko bar bar return milega. Abhi maine aapko jo link diya hai wo 5000 hai, wo aap register kar sakte ho right now for the course. Rest of the amount aapko baad mein 2 din mein pay karna hai. Tomorrow is Saturday, day after is Sunday. So Monday ko course hai, till Monday you have chance to pay the fees to join the course. ठीक है? तो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि cost जो है वो one time है ना। अब imagine करो आपने TV खरीदा, सस्ता TV खरीदा और TV देखने बैठे, फिर आपको पता चला बाजू वाले ने ऐसा TV खरीदा है जहाँ पे Netflix चलता है। Imagine your frustration, आप डिब्बा लेके बैठ गए हो, तो वो आपका वैल्यू है ना, उसमें एक्सपीरियंस का वैल्यू है, वो आपको नहीं मिलने वाला। तो डोंट गो, यू नो, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज 2,000-3,000-4,000, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेंगे रिजल्ट देने में और हेल्प नहीं करेंगे आपको पैसा वापस लेने में। नो, समवन इज मिसकैलकुलेटिंग द फिगर्स। क्या फॉर ग्राफोलॉजी एंड दिस कोर्स टुगेदर? नो, इट इज ऑफिस सुधीर जी कम बैक अगेन। ग्राफोलॉजी का, सी, ग्राफोलॉजी का कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपने ग्राफोलॉजी ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो आपके लिए कोर्स का फी है 25,000 और जिन लोगों ने ये कोर्स नहीं किया उनके लिए 30,000 और जिन लोगों को ये लिंक चाहिए जहां पे वो इमीडिएटली दे कैन पे, आई एम गोइंग टू यू नो यू अनदर लिंक फॉर फुल पेमेंट एंड दैट लिंक इज हियर एंड दैट लिंक इज यू सी। कंफ्यूज मत हो जाइए आप, कोर्स का फी 30,000 है, सिर्फ जो ग्राफोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए इट्स 25,000 बिकॉज ये ग्राफोलॉजी का कोर्स उसका सपोर्ट ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, सो दिस इज द अनदर लिंक ऑन विच यू कैन पे एंटायर अमाउंट एज वेल। सो एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स? आई एम गोइंग टू अनम्यूट इफ यू रेज अ हैंड और इफ यू हैव क्वेश्चन। This is one-on-one course. आपने आपके आके लिए one course, one fee and one person. It will be unethical if you
allow multiple people to access it, if you allow multiple people to sit and listen to it, you know, it's not fair. Come on, guys. It's not fair at all. You, जो आप दोगे आपको मिलेगा. आप अनफेयर रहोगे तो आपको क्या लगता है नेचर आपके साथ फेयर रहेगा? डोंट ट्राई टू चीट द गुरुज, ओके? बहुत बुरी सजा मिलती है उसको. यस सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? जो लोग ऐसा करते हैं पता है उनको, है ना, उनका राहु खराब होता है. बस और कुछ नहीं. गुड बैड इट इज डिफरेंट. आई डोंट गेट इनटू गुड बैड थिंग्स, बट नॉट ओनली हियर. आप कहीं पर भी करो, जब भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी करते हो, एजुकेशन इज सरस्वती माँ. एंड सरस्वती माँ राहु जो लॉर्ड है उनका, वो सरस्वती माँ से डिनोट किया जाता है. आप अपना राहु खराब कर लेते हो. तो राहु आपका जिस भी घर में बैठा होगा, दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली इन द कोर्स वी लर्न दिस, बट आई एम टेलिंग हियर, डोंट एवर डू दिस. नॉट ओनली हियर, एनीवेयर एल्स. आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ये गलती कभी मत करना. आप अपना राहु खराब कर लोगे. और कलयुग जो है वो राहु ड्रिवन है, याद रखिएगा, राहु ड्रिवन है. राहु ही आपको नेम देगा, राहु ही आपको पैसा देगा. तो अगर वो आपने खराब कर लिया, वही राहु आपको बीमारी भी देगा, वही राहु आपके रिलेशनशिप्स को खराब भी करेगा. यस सर. या अतुल, यू वांटेड टू से समथिंग? यस सर, आई वांट टू एक्चुअली आस्क यू वन थिंग. आई मीन व्हाटएवर हैज हैपेंड सो फार इन दिस लाइव सेशन इज माइंड ब्लॉगिंग. एक्चुअली इट्स सो अमेजिंग. सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज, लाइक, एज यू नो, आई हैव ऑलरेडी plans to move to Australia next year, and I really want to pursue, you know, and I want to offer these services, I mean, in the form of these signs there as well. So how to convince Western people to, you know, because there also people use mobile numbers, and they also have and their culture is very different. Actually, they don't really, I mean, I don't know, maybe I haven't heard of anything so far which they believe in such things or not. So how to convince them? Do you know Sadhguru by any chance? I follow him a lot, sir. Okay. So do you believe that Sadhguru has a, you know, people over there following him? Sir, yes or no? Is, just give me the yes or no answer. I'm not sure about people in Australia, sir. Maybe he has a following there as well. Yeah. If you not believe, even in Australia, there are people who are following Sadhguru or other spiritual leader, Osho for that matter. You know, there are people following. These are your ready clients, you know, because they believe in vibrations. They believe in, they believe in something, things which are going to change their life, right? The things like meditation, mantra, chanting, you know. So, first of all, don't convince anybody. If you are going to convince people, that is a wrong way of doing this as a profession. Don't convince. Right. Find the people who are already convinced. Mm-hmm. You know, don't waste your energy on the wrong market. Find the right market. Now, how to get into the right market? There are meditation camps. There are things which are related to spirituality. Go there. You know, this is a very, very spiritual science. You know, this is not about any kind of superstition. This talks about the way your life has to be planned so that you are free from the daily clutter. You know, it's like the routine clutter of your life. You have a peaceful life, and that, with that peace, with that calm, with that sense of achievement, you go and sit for meditation, and there is nothing, no thought is bothering you. You are in perfect position to do the meditation. You don't have financial baggage, emotional baggage, health baggage, and that is the perfect way of doing meditation. Now, what happens right now? You sit, and some the office comes, the health comes, you know, so many loans come, debts come. So how can you achieve the, you know, the highest level of spirituality? So these sciences are going to achieve those things for other people and for you as well. So don't try to convince. What you need to do, if you want to be your seller in this, sit next to the person. You know what? You just ask him his phone, telephone number or date of birth, and you just predict the things. You just say, okay, अरे तेरे life में तो ये होता है. यार तेरे को कैसे पता? I have learned this, you know, let me tell you more. So that is how you generate curiosity. And then, and don't try to sell in the first meeting. Never. It has to be, the trust has to be gained. It's called education-based selling. You need to educate him till the point he himself will ask, come and ask, अरे यार तूने इतना तो बता दिया, लेकिन solution किधर है? Then you say, this is what I do as a profession, and I will charge you for this. So this is the solution.
Right, sir. I mean, I agree with you because when I अभी तक अगर हाँ सॉरी सॉरी यू कंटिन्यू नहीं नहीं सर बोलिए ना अभी तक आपने देखा होगा अभी तक का जो हम लोग का सेशन चला है वो यही बेस को लेके चला हुआ है राइट 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 ठीक है वी हैव आइडेंटिफाइड एज अ डॉक्टर लाइक आई सेड आई ऑलवेज कीप ऑन गिविंग दिस एग्जांपल यू शुड नो वेयर इज द प्रॉब्लम राइट पता चल उसके बाद उसका सॉल्यूशन के लिए सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा एंड यू जस्ट कल रविंद्र जी और रविंद्र रविंद्र जी और हमने ना एक कुंडली डिस्कस किया जहां पे रविंद्र जी ने यह आइडेंटिफाई किया कि उनके घर में ना किसी ने तो भी नीम का पेड़ काटा हुआ है ठीक है तो okay. मैंने उनको मैसेज दिया रात के 2:30 बजे मैसेज डाला कि आपके घर में किसी ने नीम का पेड़ काटा क्या तो उसने बोला मैंने तो नहीं काटा मेरे डैड ने कटवाया था ठीक है मैंने नीचे डाला आपका प्रॉब्लम हमको पता चल गया सोल्यूशन है यू ट्रांसफर द अमाउंट एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन मतलब वी हैव ऑलरेडी एनालाइज थिंग्स एंड देन दिस इज द रूट कॉज And now we know the root cause, we know the solution, and this is how it goes. So congratulations, Bhavmik, Ashwini, and I guess Anjali, Pankajji, Manisha. Congratulations, all of you, for joining the course. And Atul is, of course, has already paid, and he's already part of this. Yeah. So Atul, just to answer your question again, people yeah. from Globe have seen our courses. In first batch, we had a couple of foreigners also, and we are in and out doing consultations. For people who are outside India as well. So, I think, there is a surprise package for all of you. Last din pe, in fact, last din pe hi nahi, uske baad bhi jo support sessions hote hai, Sudhir and I personally talk to people who want to take up this on a professional front as well. हम लोग उनके साथ डिस्कस करते हैं जो सुधीर बता रहे हैं ना कि चार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं राइट राइट जो लोग प्रोफेशनली इसको टेक अप करना चाहते हैं और जो अभी रूट लेवल पे है दे आर लाइक इधर डूइंग ओनली न्यूमरोलॉजी ओनली एस्ट्रोलॉजी और ओनली वास्तु फॉर दैट मैटर ओनली ग्राफोलॉजी फॉर दैट मैटर सो वी आर आई विल नॉट कॉल इट एज ट्रेनिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी मच मोर एलिवेटेड देन अस आई ऑलवेज बिलीव दैट वे बट वी टेल देम द टूल्स एंड द टिप्स एंड द टेक्निक्स टू हाउ टू take the things ahead and how to take all these things professionally basically. right sir right right to aapke liye to bahut easy hai dekho aap already jahan pe kaam kar rahe ho wahan pe aap already credible position pe ho aapka right. salary jo hai wahan pe wo already credible salary ek acha salary hai australian ki australian dollars mein bhi to jab right, aapke muh se aap kisi ko analysis dete ho aapke equal ya aapke below kisi bhi insaan ko to bhi aapki baaton ka mahatva hai aur jab aap iska analysis doge अगर आपने प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई किया यू विल नॉट बिलीव यू वी हैव वन स्टूडेंट इन लेबनन यू नो इट राइट तो उन्होंने भी ये न्यूरोलॉजी सीखा हुआ है और जब उन्होंने खुद के कंट्री में कम से कम शी हैज एनालाइज हाउ मेनी 150 नंबर्स तो उन्होंने देखा कि ये सच में उनके कंट्री में भी लागू होता है और उसी तरह से लागू होता है और उसी तरह के रिजल्ट है आई वाज सरप्राइज मैंने बोला देखो इंडिया में तो हम ये बोलते हैं आई डोंट नो कि तुम दुबई में क्या बोलोगे तुम लेबनन में क्या बोलोगे दुबई और लेबनन के नंबर्स उन्होंने एनालाइज किए और वहां पे भी सेम रिजल्ट्स है तो ऑस्ट्रेलिया में भी रिजल्ट सेम आने वाले क्योंकि नंबर सेम है हम 2 को 2 ही बोलेंगे नहीं सही सही बात है राइट सर मैं जब ग्राफोलॉजी जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड सर्चिंग इफ इज देयर एनीथिंग इज एनीबॉडी टेकिंग ग्राफोलॉजी एट यू नो प्रोफेशनल लेवल देयर So yes, there are actually graphologists who are actually working as a graphologist there. I mean, they are taking they are working as a graphologist itself. So, but the difference is like I think they need to up. Yeah. आपका जो graphology का knowledge है ना, उनसे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है? आप जाके उनके सामने बातें करोगे ना दे विल गो क्रेजी दे विल से कि ये कहां से दिख रहा है कहां से पता चला है ये कैसे दिखता है यू नो बिकॉज़ यू सी देयर लेक्चर्स यू सी देयर बुक्स यू नो दैट सी अपना तो जिस तरह से हमने सीखा है अपना तो टोटल स्पिरिचुअली बेस है ना राइट राइट वो क्या कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स निकाल के कंपेयर कर रहे हैं तो दे विल नेवर रीच वेयर वी आर राइट सर राइट सो बट प्रॉब्लम क्या है ना राइट राइट सो द प्रॉब्लम Yeah, On a personal note, can I ask one question? Yeah, sure, sir. Nothing to do with course. Yeah, sure. आपके birth date में 2, 7, 8 का कोई combination है क्या? तीनों है sir. हमें eight नहीं है sir, eight नहीं है. Two है, 3 and 7 है. Seven है. हाँ, eight नहीं है. Great, great, great. Okay. Total करके 8 आता है ऐसा कुछ होता है? 2+3=5.
देखना पड़ेगा सर अपने। चलो कोई बात नहीं, 2 and 7 है, 2 and 3 तो 23 2 and 7 है, 2 and 7 है। हाँ सर, 23 January 1977 is my date of birth. Perfect. अच्छा सुजा जी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोल्ड। डोंट वेस्ट योर टाइम इन इंडिया अतुल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओह माय गॉड, ओके आई एम मूविंग सर नेक्स्ट ईयर। ग्रेट, जितना आप भारत में रहोगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप अपने मतलब है ना, आपने कुराड़ी ढूंढी और उस पे पैर मारा जाएगा। नहीं, रविंद्र जी ये वर्क आउट मतलब वर्क फ्रॉम होम। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं सर, आई एम ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंट ऑलरेडी। ओह ग्रेट ग्रेट लवली, हां फैंटास्टिक। सो प्लीज डोंट आस्क मी कि आपने ये कैसे पता किया कि आपके बजट में नंबर कहां से मिले मुझे। सुधीर ने मेरे को नंबर नहीं दिया। ठीक है, वाओ सर, वो एनीवेज कोर्स में तो पता चल ही जाएगा। सुजय जी का क्वेश्चन है कि 10 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स आपको सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट बना देगा। यस, क्यों? क्योंकि ना आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कहां से प्रॉब्लम्स आते हैं, और मतलब इट्स लाइक यू नो हाउ टू गिव द एनालिसिस एंड हाउ टू गिव द रेमेडीज। क्योंकि इतना आपको सीख गए तो आप ग्राफोलॉजिस्ट बाद में आपका अनुभव है कितना अच्छा और डेप्थ में आप एनालिसिस कर पाते हो, वो आपके अनुभव पे डिपेंड करता है। बट जैसे मैं अभी भी सीखते रहता हूँ, वैसे आपका भी सीखना चालू रहेगा, लेकिन आप जो काम एक प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट कर सकता है वो आप कर पाओगे बाय लर्निंग डूइंग द कोर्स ऑफ 10 days। बाकी आपके प्रैक्टिस को, इट्स लाइक यू आर विल बी इक्विप्ड विद ऑल काइंड ऑफ एमिनेशंस रिक्वायर्ड जंग में जाने के लिए। सिंपल, हाँ, है ना। अब तो, कैसे चलाना है लेकिन वो प्रैक्टिस करते हो कब, कितने दिन प्रैक्टिस करते हो? जिंदगी भर प्रैक्टिस करते हो। 80 साल के बूढ़े डॉक्टर को पूछोगे कि सर जी आज आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, तो बोलते हैं प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है, ही ऑलवेज इज प्रैक्टिस, बिकॉज वो हर दिन कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो यही ग्राफोलॉजी में, यही न्यूमरोलॉजी में, यही एस्ट्रोलॉजी में, ये अपना प्रैक्टिस है, ये टेक्निकल साइंसेस है, और क्या बोलते हैं उसको, वेरी मच काइंड ऑफ मैथमेटिकल है, टेक्निकल है, साइंटिफिक है, साइंस ओरिएंटेड है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रविंद्र जी ने इतने सारे अभी भी रविंद्र जी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने गेस करने की कोशिश की कि फॉरेन है, ऐसा है, ये है, तो क्या नंबर देंगे, बहुत बात करने का तरीका ऐसा है, मुंह का साइज ऐसा है, यू नो, वो ही मस्ट हैव सीन सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज व्हाट यू विल आल्सो डू एवरी सिंगल डे। ओके, सो great, any more questions? No discounts, because this is already a discounted knowledge. With this you must earn more. Okay, this is what the mindset is: pay more, earn more, and become the richest person in the world. Seeker baniye, matlab paise to chalo, I'll not discuss anything. Wo mera kaam hai. Haan, kundalini ke hisab se I need to speak about it. I will ask you to seek more. Jitna ho sakta hai aap सवाल पूछिए सब्जेक्ट के बारे में, नॉलेज के बारे में, अपने आप को क्लियर कीजिए, बिकॉज आगे ये हेल्प करने वाला है, ये आएगा। और अभी एक क्वेश्चन है इनका, जरा कविता जी का क्वेश्चन है, लेट मी अनम्यूट है, या कविता जी बोलिए पूछिए। सर ये फीस आपका ग्राफोलॉजी वालों के लिए 25,000 है ना? करेक्ट, ग्राफोलॉजी जो हमारे उनके लिए 25 है। हाँ, और ये 1-on-1 सेशन जो है वो मिलेगा हमें? सबको मिलेगा, जो आज रजिस्टर कर रहे हो सबको मिलेगा, जो अभी रजिस्टर कर रहे हो सबको मिलेगा, बाद में कल परसों नर्सों वाले लोगों को हम लोग ये नहीं देंगे। ठीक है सर, मुझे तो आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप रजिस्टर करो ना, यू कैन रजिस्टर इट विद 5000 रुपीस राइट नाउ। ठीक है, या ओके, एनीवन एल्स हैज अ कंसर्न कोर्स कंटेंट व्हिच कंसीडर विल वी गेट हेल्प इफ स्टक? यस, एनी टाइम, any time, no, not any time. You will have to take an appointment, you will have to put a message, okay, this is the problem I have, and then we will give you a time and we will help you out. Okay, if you have doubts, you have questions, yes, we are going to help you out, that no question asked, but anytime, no, you will have to take an appointment. नहीं देखिए कैसा है, हम लोग का आपका सेपरेट ग्रुप भी बनेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनेगा, उसमें तो सारे स्टूडेंट्स हम लोग एक्टिव भी रहेंगे। होता क्या है, सुधीर जी काफी बिजी रहते हैं, मैं मेरी कुंडली में वैसे योग है कि कॉर्पोरेट में भी मेरे को बिजी रहना पड़ता है, आई एम हियर आल्सो, प्लस आई हैव माय क्लासेस थिंग्स गोइंग ऑन, है ना, वी कीप ऑन टीचिंग पीपल, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से क्या है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच रखते हैं कि आप आओ, यू टेक सम टाइम, है ना,
कुछ भी क्वेश्चंस किसी भी टाइप का रिलेटेड हो, वी देन आंसर इट इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि आपका क्वेश्चन में सिर्फ आपका नहीं बाकी है ना वो उस तरीके से चले अपना। तो ये कोर्स कंटेंट है, किसी ने भी पूछा था कि कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, इसमें से दो पेजेस है, इसमें से एक पेज है जो पूरे न्यूमरोलॉजी की बात करता है, देख लीजिए आप, अंडरस्टैंडिंग डेट ऑफ बर्थ, लकी नंबर्स, प्रेडिक्ट, बेसिक डेस्टिनी कैलकुलेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, ग्राफोलॉजी का भी यहाँ पे है। और ये मेरा जो है ना, मैंने ये लिंक भेजा है आपको, आप सर्च भी कर सकते हो मेरे नाम से, सुधीर कुवे, और मतलब पेज है कई, काफ़ी सारी जगह पर मैंने पोस्ट किया हुआ है, और रिकॉर्डिंग से रहेंगे। हाँ हाँ, इसमें रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा आपको। और देखिए यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि जो भी हम लोग बाकी चीज़ें बात की ना हम लोगों ने, जैसे फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी पीपल, यू नो, दो लोग मैरिज करेंगे तो उनका फिजिकल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फिर चैरिटी कौन करता है, चैरिटी करने से किसका लॉस डाइल्यूट होता है, किसका लॉस बढ़ता है, नो कई चैरिटी ऐसे जो आपने किया तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। किन लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, किन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम, जलने वाली फीलिंग बोले ना हमेशा रहेगी, फिर किन लोगों ने ना किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही यूनिक है, और किन लोगों का उधार वापस आएगा और किस लोगों का उधार वापस नहीं आएगा। इमेजिन यू नो दैट आपने उधार दिया तो आपका पैसा वापस आएगा, कितना मजा आएगा आपको वो काम करते समय, है ना। तो और तो ये चीज़ है, फिर मेंटली का आपने मेंटली काम करना चाहिए कि फिजिकली काम करना चाहिए, है ना, आपने कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, तो वो ऐसे इन चीज़ों का भी आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो ये जो पेजेस है वो मैंने ऑलरेडी ये डाल के रखा है मैंने, मेरे खुद के पेज पे सुधीर गोयल के नाम से आप फेसबुक पे सर्च करोगे, इंस्टा पे सर्च करोगे तो आपको ये सब चीजें दिख जाएगी, ठीक है। तो डेव, सुधीर जी, डे वन ऑफ द कोर्स विल पीपल बी एबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस करना चाहिए कि सर्विस करना चाहिए, बताओ। यस यस, एंड रविंद्र जी इज काइंड एनफ टू लेट मी टीच दैट टॉपिक, सो आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स, ओके। राजेश कुमार बोल रहे हैं कि मेरा उधार फंसा है, निकालने का सोल्यूशन भी है, वो तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे, किस तरह का कुंडली बनाया आपका, है ना, नंबर नंबर कॉम्बिनेशंस और कुंडली में अगर वो योग होंगे तो 100%। और मतलब अब वो सीखना है हम लोग को, कोर्स का पार्ट रखा है हमने, क्योंकि ये सवाल हम लोगों को पिछले दो बैचेस में बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों ने, तो हमने पूछा कि यार चलो इसका है ना उसमें रख ही देते हैं, कोर्स में कंटेंट में मिल ही जाएगा आपको, कोर्स मटेरियल मिलेगा आपको, वीडियोस मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए, ओके, आपको एक्सेस मिलेगा, कितनी बार रिवीजन कर सकते हो, और आपको एक बैच का वीडियो नहीं मिल रहा है, आपको पुराने बैच का भी वीडियो मिल रहा है और आपकी बैच का भी वीडियो मिल रहा है, तो यू कैन वॉच इन द बोथ दी बैचेस एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम। और हमारा सपोर्ट है, हम देखो हमारा मंशा क्या है कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ ये फील्ड में, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल होते हो तो कम से कम हजारों लोगों को फायदा होगा, उनका आप सिग्नेचर चेंज करोगे, उनका आप लोगो चेंज करोगे, उनका आप नेम चेंज करोगे, उनका यू नो सो मेनी थिंग्स यू विल डू एज अ कंसल्टेंट एंड दैट विल हेल्प देम टू बिकम बेटर, और कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट है, उनका जो ब्लेसिंग है हमारे पास भी पहुंचेगा, और हमारा तो ग्रोथ तो वैसे भी यू नो चल ही रहा है, हो ही रहा है, बट आपकी ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू सपोर्ट, ओके। सो एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन एल्स हैज, यानी क्वेश्चन, कोई टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज में क्लैरिटी चाहिए, कोई कोर्स का किसी चीज में कोई क्लैरिटी, समथिंग देयर इफ एट ऑल, ग्रेट सो इट वाज नाइस इवनिंग गाइस, मतलब यू वेर सो सपोर्टिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू, ऑसम एनालिसिस, मैजिक यू क्रिएटेड, अमेजिंग मैजिक टुडे, यू नो, नंबर, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ द पीपल, दे आर वेरी वेरी हंबल एंड सपोर्टिव, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग अस, and let's जुड़ चुके हैं वो लोग का वेलकम, shortly सुधीर जी will be creating a group, will be starting to do your post and everything there, हम लोग शुरू भी कर देंगे वो, ठीक है, we get much more learning every day there, ठीक है, thank you so much and welcome on board, thank you so much, thank you very much all of you, bye bye, see you again, bye bye, good night, take care, be safe।